हो गया कि नहीं हो गया? पेट्रोल 100 से पार हो गया? बताओ बिजली का बिल महंगा पड़ गया कि नहीं पड़ गया? जब बिजली का बिल आता होगा तो बताओ आपको करंट लग जाता है कि नहीं लग जाता है? पहले बिजली का बिल कितना आता था? कम आता था। आज बिजली का बिल महंगा हो गया कि नहीं महंगा हो गया? इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, समाजवादी सरकार बनवाइए। समाजवादी सरकार आएगी तो हमारे सभी लोगों की 300 यूनिट फ्री बिजली होगी, कोई बिल नहीं देना पड़ेगा। और न केवल 300 यूनिट बल्कि हमारे किसानों की सिंचाई भी माफ होगी, कोई बिल नहीं देना पड़ेगा। और जो लोग कह रहे हैं कि 24 घंटे बिजली दे रहे हैं, कभी शीशा जा करके देखो, ये 24 घंटे बिजली आज तभी दे रहे हो जब समाजवादियों ने बिजली के कारखाने लगाए थे। ये बाबा मुख्यमंत्री अभी तक एक भी बिजली का कारखाना नहीं लगा पाए। जो बिजली आज मिल रही है वो समाजवादियों की देन है, क्योंकि समाजवादियों ने बिजली के कारखाने लगवाए थे। हम आपको भरोसा दिला के जा रहे हैं, 300 यूनिट फ्री होगी और 24 घंटे भी बिजली देने का काम समाजवादी सरकार में होगा। ये कह रहे थे कि गर्मी निकाल देंगे। बताओ 5 चरणों के चुनाव के बाद ये ठंडे पड़ गए कि नहीं पड़ गए? इनके नेताओं ने अपनी गाड़ी से झंडे उतार लिए कि नहीं उतार लिए? और कई नेताओं ने तो अपने घरों से भी झंडा उतार लिया। आप बताओ सिलेंडर महंगा हो गया कि नहीं हो गया? जब दिया था सिलेंडर तो बताओ 400 रुपए का था, और आज जब वोट मांगने आ रहे हैं तो बताओ कितने रुपए का है? तो बताओ इन्हें वोट दोगे आप? जब फ्री सिलेंडर दिया तब 400 रुपए का था, आज जब वोट मांगने आ रहे हैं तो बताओ कितने का है? इन्होंने बड़े बड़े सपने दिखाए और कहा कि पूरे उत्तर प्रदेश में उद्योग और कारखाने लग जाएंगे, हमारे नौजवानों को नौकरी रोजगार मिल जाएगा। बताओ हमारे गोरखपुर के साथियों, ये जो कारखाने लगे दिखाई दे रहे हैं ये समाजवादियों के सरकार के लगाए हुए हैं। इस सरकार ने कोई कारखाना लगाया हो तो बता दो हमें, कोई नया कारखाना लगाओ पत्रकार साथियों तो बता दो। और ये तो कह रहे थे कि मिसाइल बनाएंगे, मिसाइल। बाबा मुख्यमंत्री से पूछिए मिसाइल कहाँ बना रहे थे? जिन्होंने मिसाइल बनाने के सपने दिखाए उन्होंने माचिस की तिल्ली भी नहीं बनाई। बताओ माचिस की तिल्ली बनाई हो तो बता दो। और इनके नेताओं के भाषण सुन लिए कि नहीं सुन लिए? मैं सुन रहा हूं हमारे मुख्यमंत्री जी का भाषण, महंगाई पे नहीं बोल रहे, डीजल पे नहीं बोल रहे, पेट्रोल पे नहीं बोल रहे, खाद पे नहीं बोल रहे। बताओ खाद पे बोलाओ तो बता दो, बिजली के बिल महंगे पे बोलाओ तो बताओ, और अगर पेट्रोल की महंगाई पे बोला हो तो बता दो आप। और बीएड टीटी वाले आपके बारे में कुछ बोला हो तो बताओ। ये उत्तर प्रदेश 2013 की पुलिस भर्ती के बारे में बोला हो तो बता दो आप। बताओ फौज की भर्ती के लिए बोला हो तो बता दो।
तीन साल से फौज की भर्ती है कि नहीं है, भर्ती बंद है। और कई लोग हमारे नौजवान जो दौड़ दौड़ के तैयारी कर रहे थे, आज उनकी उम्र बढ़ गई। हम आपको भरोसा दिला के जा रहे हैं, समाजवादी सरकार बनेगी। ये गर्मी निकालने वाले को कह के जा रहे हैं कि फौज में भर्ती हो करके इन नौजवानों को नौकरी देने का काम होगा। और अगर हमें लड़ना भी पड़ेगा उम्र की सीमा की छूट के लिए, तो दिल्ली से हम लोग लड़ने का काम करेंगे और उम्र में भी छूट दिलाने का काम दे होगा। न केवल फौज में भर्ती, पुलिस में भर्ती होगी, और जो हमारे नौजवान जो रह गए हैं पुरानी भर्ती वाले, इनको भी समायोजित कर करके इनका भी समाधान करने का काम सभी सरकार को होगा। ये टेट वालों ने पढ़ लिया होगा कि हमने समायोजित होने का फैसला ले लिया है। अब बताओ बीएड टेट वालों कितने दिन बचे हैं 10 तारीख में? बताओ कितने दिन बचे हैं? और वोट डालने के कितने दिन हैं आपके? तो अपना बूथ जिताओगे? और बताओ दरोगा भर्ती वालों वो जिताओगे बूथ? ये 2013 पुलिस वालों बूथ जिताओगे? और नौजवानों हम आपसे भी कह के जा रहे हैं, 11 लाख पद खाली हैं सरकार के, जो भरे नहीं गए हैं। कागज ले लो, कागज ले लो, जो भरे नहीं गए हैं ले लो कागज। ये वो नौजवान है जो दौड़ के तैयारी करा रहा है, इसकी तो हाई जंप भी अच्छी है। अरे ये अपने आप जंप करके चला जाएगा। इस नौजवान ने जो बात रखी है, उसने कहा कि हिंदी और अंग्रेजी के टीचरों की कमी है, रक्षा अध्ययन राजनीति का टीचर होना चाहिए, प्रिंसिपल भी नहीं है महाविद्यालय भटौली बाजार में। मैं अपने नौजवानों को कह के जा रहा हूं, ये जितना कुछ पर्ची पे लिखा है 10 तारीख के बाद सब पूरा करने का काम समाजवादी लोग करेंगे। इस नौजवान ने जल्दी में ये गलती कर दी, अपना मोबाइल नंबर नहीं लिखा इसने। अब ये तो हम तस्वीर से ढूंढ लिया इसको। इसलिए नौजवानों 11 लाख पद खाली हैं, हम उन्हें भरने का काम करेंगे जिससे हमारे नौजवानों को रोजगार और नौकरी मिल जाए। बताओ बाबा मुख्यमंत्री ने धोखा दिया कि नहीं दिया? मैंने गोरखपुर पिछली बार जब रथ यात्रा चलाई तो बड़े करीब से देखा। बताओ गोरखपुर में मुख्यमंत्री के जिले में अभी तक नाले नहीं बन पाए, और शहरों में जो सीवर बन जाता है वो सीवर भी नहीं बन पाया। तार हर जगह लटके दिखाई दे रहे हैं, कोई अगर गोरखपुर आए तो जाम में फंस जाएगा। इन्होंने वादा किया था मेट्रो चलाने का, लोगों को नाव में चलना पड़ा, तैर के निकलना पड़ा। बताओ कैसे बाबा मुख्यमंत्री हैं? बताओ कैसे मुख्यमंत्री हैं? और 5 साल रहे, हर एक के काम की बुराई करते रहे, हर काम की बुराई करते रहे। अब पता लगा है ये गरीबों किसानों के दुश्मन तो है ही, नौजवानों के दुश्मन तो है ही, ये विकास के भी दुश्मन हैं। जो सोचो अपना घर नहीं कर पा रहे ठीक, वो किसी का घर क्या ठीक करेंगे। इन लोगों ने जो शौचालय दिए, बताओ पानी है उसमें कि नहीं है? अब लाइन पड़ रही है, हटाइए बीजेपी वालों को।
जाओ जाओ, जाने दो जाने दो, जाए अपने आप चले जाएंगे। देखिए अपने आप आए अपने आप चले गए। इसलिए नौजवान साथियों, हम आपसे विशेष अपील करने आए हैं, ये चुनाव न केवल समाजवादी सरकार बनाने का है बल्कि आपके भविष्य का भी चुनाव है। 5 साल आप इंतजार करते रहे नौकरी रोजगार का, आपको 5 साल रोजगार नौकरी नहीं मिली। हमारे गरीब हैं, बुजुर्ग हैं, किसान भाई हैं, इन सरकार ने लगातार 5 साल महंगाई बढ़ाई है, बड़े बड़े सेठों को पैसा कमाने का मौका दिया, गरीब की जेब से पैसा निकाल करके अमीरों की तिजोरी भरने का काम किया। इन लोगों ने धोखा दिया और धोखा यहां तक दिया कि जो फौज की भर्ती होती थी भर्ती रोक दी, न केवल भर्ती रोक दी बल्कि 11 लाख पद खाली है वो नहीं भरे गए। इसलिए नौजवानों, समाजवादी सरकार बनेगी तो नौकरी के साथ साथ रोजगार देने का काम समाजवादी लोग करेंगे। अभी सुनने में आया कि बाबा जी कह रहे थे कि हमने लैपटॉप बांट दिया सबको, आपको लैपटॉप नहीं मिला, और ये जो स्मार्टफोन दिखाई दे रही है ये बाबा जी वाले तो नहीं है। आपने अखबार पढ़ा होगा, उन्होंने कहा कि हमने स्मार्टफोन 2 करोड़ बांटे हैं, तो बताओ कहां बांट दिया है उन्होंने, किसको दिया है ये लोग, और इनके एक नेता कह रहे थे कि जो लोग इंटर कर लेंगे और इंटर के बाद जो 12वां पढ़ने जाएंगे उन्हें लैपटॉप देंगे। आपने इंटर करके 12वां पढ़ा ही नहीं इसलिए लैपटॉप नहीं मिला। अगर आप इंटर करके 12वां कर लो बाबा जी को बता दो तो आपको लैपटॉप मिल जाएगा। अच्छा हुआ उन्होंने ये कहा, शुक्र है ये नहीं कहा कि इंटर करने के बाद जो 10वां पढ़ने जाएगा उसे लैपटॉप मिलेगा। इस बार लगता है गोरखपुर के लोग इतना धुआंधार वोट डालने जा रहे हैं कि धुआं उड़ाने वाले धुआं धुआं हो जाएंगे। ये मान ले इस बार आपका, याद कीजिए, बीमारी में इन्होंने कोई मदद नहीं की, जब कोरोना था ना दवाई दे पाए ना बिस्तर दे पाए ना ऑक्सीजन दे पाए, और अभी कह रहे हमने राशन दे रहे राशन। हमारे पत्रकार साथी जानते हैं, नौजवान भी जानते होंगे, ये राशन पहले नवंबर तक बांट रहे थे, अब ये मार्च तक बांट रहे हैं। बताओ, पहले नवंबर तक बांट रहे थे अब मार्च तक बांट रहे हैं, बताओ मार्च के बाद राशन कौन देगा। आप साइकिल की बटन दबाइए और 5 साल राशन पाइए। न केवल राशन बल्कि राशन के साथ साथ सरसों का तेल 1 लीटर फ्री, हमारे गरीबों को 1 किलो घी फ्री, और दूध पीने के लिए 1 किलो मिल्क पाउडर भी फ्री। और इधर गरीबों का बहुत दिनों से मुंह मीठा नहीं हुआ है, चीनी भी फ्री देने का काम समाज सरकार करेंगे। इसलिए बता देना इनको, इन्होंने मार्च तक केवल राशन देने का इंतजाम किया है, न लखनऊ में बजट है न दिल्ली में बजट है,
समाजवादी सरकार आएगी तो 5 साल आपको राशन देने का काम करेंगे। इसलिए मदद करिए, चुनाव का आखिरी दिन है, आज आखिरी दिन है, आज के बाद प्रचार बंद हो जाएगा 1 घंटे बाद। याद रखोगे कि नहीं याद रखोगे? इन्होंने बेरोजगार बनाया है, याद रखोगे? याद रखोगे इन्होंने महंगाई बढ़ाई? याद रखोगे बीएड टेट वाले के 5 साल आपको इंतजार कराया? याद रखोगे दरोगा भर्ती वालों, ये पुलिस भर्ती वालों, याद रखोगे? और याद रखना नौजवानों, 10 मार्च के बाद जब सरकार बन जाएगी तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश में फौज में भर्ती कराने का काम समाजवादी सरकार में होगा। बड़ा मदद करोगे? डीजल पेट्रोल महंगा हुआ भूल तो नहीं जाओगे? ये अगर दोबारा आ गए तो अभी 100 रुपए पेट्रोल बिक रहा है, 200 रुपए बेचेंगे। और अभी चुनाव नहीं खत्म हुआ है, बताओ सिलेंडर आज महंगा हो गया कि नहीं हो गया? तो इसलिए महंगाई को याद रखना, बेरोजगारी को याद रखना। और बाबा जी ने कोई बिजली का कारखाना नहीं बनाया, कारखाना एक भी नहीं बनाया। अगर बिजली मिल भी रही है आज तो वो समाजवादियों की वजह से बन रही है। और ये बात मैं इसलिए कहता हूं, जो बिजली के कारखाने का नाम नहीं रख सकते वो बताओ बिजली क्या बनाएंगे? जो बिजली के कारखाने का नाम नहीं रख सकते, अभी तक इन्होंने बिजली के कारखाने का नाम लिया हो तो बता दो हमें, कभी उनके मुंह से सुना, कभी ये कहते सुना कि 3x660 सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट, कभी सुना उनके मुंह से? इसलिए हम परिवार वाले लोग हैं, हम परिवार वाले लोग हैं, हम परिवार वाले लोग एक सलाह देना चाहते अपने बाबा मुख्यमंत्री को। परिवार वाले जब कभी अपने घर जाते हैं तो अपने बच्चे और अपने परिवार वालों के लिए कुछ सामान लेके जाते हैं। और अब 10 तारीख के बाद तो उन्हें आना है गोरखपुर, इसलिए जब गोरखपुर आए तो अपने गुल्लू के लिए बिस्कुट ले। भाजपा का संकल्प है मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला।